मुहर्रम का पर्व आते ही जगह जगह ताजियों का निर्माण शुरू हो गया है। ऐसे में एक हिंदू परिवार अनेक साल से ताजियों का निर्माण कर सांप्रदायिक सौहार्द का अनूठा उदाहरण पेश कर रहा है। इस परिवार के द्वारा काफी समय से ताजिए बनाए जाते हैं और सवारी भी रखी जाती है। गंगा जमुनी तहजीब के इस प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द के अनूठे उदाहरण देखने को मिलते हैं। जबलपुर संस्कार धानी में भी हिंदू मुस्लिम एकता के अनोखे उदाहरण मौजूद हैं। मुहर्रम पर्व पर ऐसा ही अशोक चौधरी दिखाते हैं, जो कि हिंदू होने के बाद भी काफी समय से ताजिया और सवारी के निर्माण करते हैं। सवारी जो मैं 15-20 साल से बना रहा हूँ, इसमें बहुत मेहनत का काम है। 10-12 लड़के लगते हैं काम के लिए। 6 महीने से काम स्टार्ट हो जाता है, 6 महीने पहले से। और कुछ सामान जबलपुर में भैया बताइए, शुरू से सवारी का काम करते हुए मेरे को 15-20 साल हो गए हैं। ये बड़ा मेहनत का काम है। 6 महीने पहले से काम स्टार्ट करता हूँ। 6-7 लड़के काम करते रहते हैं। कहाँ से सीखा ये आपने? ये पहले मेरे बड़े पिताजी करते रहे, गोरे लाल उस्ताद। उसके बाद उन्हीं को देख देख के मैंने सीखा हूँ। आपको कितने वर्ष हो गए लगभग? मेरे को 20 साल हो गए करते हुए, 18-19 साल। कितनी सवारियाँ आप तैयार कर लेते हैं? 5-6 सवारी तैयार कर लेते हैं। नाम बताइए। अशोक चौधरी। कैसा लगता है इस काम को करने में? बहुत अच्छा लगता है। सब धर्म का काम है,